वॉचर्स, माय नेम इज कमल एंड यू आर वॉचिंग 007 न्यूज, जहां आपको मिलेगी गेमिंग दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ईए के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ब्लेज जॉर्डसन ने मार्केट की दो बड़ी कंपटीटिव कंसोल के फाइनेंशियल रिगार्डिंग अनाउंसमेंट की है। उनके अकॉर्डिंग 2017 में माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स वन की 30 मिलियन यूनिट बिकी, जबकि सोनी के PS4 की 73 मिलियन यूनिट बिकी। यानी अंदाजा लगाया जाए तो एक्सबॉक्स वन की हर 8 यूनिट बिकने पर PS4 की 2 यूनिट बिकी। PUBG के PC सर्वर के लिए नया अपडेट पैच अवेलेबल कर दिया गया है, जो गेम में कुछ नए चेंजेस लाया है, जैसे कि नई M24 स्नाइपर राइफल, थ्रोएबल्स की इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस और नया एंटी चीट मैकेनिज्म। ड्रैगन बॉल फाइटर जी का रोस्टर बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में गेम के लिए नए DLC कैरेक्टर्स फ्यूज जमासू और सुपर सेन ब्लू वेजिटो को PS4, PC एंड Xbox One के लिए रिलीज कर दिया गया है। फॉलआउट 76 वैसी गेम नहीं होने वाली जैसी कि आप लोग सोच रहे हो। फॉलआउट 76 का ऑफिशियल रिवील टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है, पर उसमें गेम प्ले शो नहीं किया गया। पर फिर भी गेम की मेजर डिटेल लीक होने से नहीं रुक पाई। कोटाकू की सोर्सेस के अकॉर्डिंग फॉलआउट 76 एक ऑनलाइन सर्वाइवल RPG गेम है, जो कि पॉपुलर गेम रस्ट और डेजी जैसी होगी। बैटलफील्ड 5 में एक नया मल्टीप्लेयर गेम मोड फीचर किया जा रहा है, जिसका नाम एयरबोन है, जहां पर प्लेयर्स पैराशूट से मेन मैप पर लैंड करेंगे, जहां उन्हें आर्टिलरी को डिफेंड और डिस्ट्रॉय करना होगा। इस नए मोड को बैटलफील्ड फ्रेंचाइजी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रिवील किया गया, बहुत कम डिटेल्स के साथ। असासिन क्रीड सीरीज की नई गेम असासिन क्रीड ओडेसी एंशिएंट ग्रीस पर सेटअप की रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये गेम असासिन क्रीड ओरिजिन्स का सीक्वल है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये गेम अगले साल रिलीज कर दी जाएगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही गेमिंग दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर लाता रहूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अगले हफ्ते के लिए न्यूज़ ढूंढनी है। बाय।